हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप शर्मा, आपका होस्ट और अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मोस्टली जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो गार्डनिंग को पसंद करते हैं वो टेरेस गार्डनिंग या छत पे या बालकनी में अपने पौधों को लगाते हैं। तो होता क्या है कि बहुत भारी हो जाते हैं बड़े गमले, उसमें मिट्टी जो हम लोग डालते हैं गार्डन सॉयल वो काफ़ी हैवी हो जाती है, फिर ऊपर से पानी जब हम देते हैं तो और ज़्यादा वेट जो है वो पड़ता है, और वेट के अलावा उसको कैरी करना, इधर उधर उनको खिसकाना, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मुश्किल पैदा करती हैं। तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करें, मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि टेरेस गार्डनिंग के लिए किस तरह की सॉयल हम लोग इस्तेमाल करें, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर पड़ी हैं। देखिए, ये जो है ये हमारी गार्डन सॉइल मिट्टी है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ये है कोकोपीट, ये देखिए ये कोकोपीट है, बहुत लाइट वेट होती है। ये कंपोज खाद है जिसकी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, तो घर में कैसे हम लोग कंपोज बनाएं बहुत आसानी से, तो ये मेरी वो कंपोज बनी हुई है, ये वो है। और उसके बाद ये जो मटेरियल है ये है बदरपुर, इजीली अवेलेबल है, ये जो भी मकान बनाने वाली कंस्ट्रक्शन वाली जहाँ पे सीमेंट रेत मिलती है वहाँ पे ये बदरपुर भी मिल जाता है, और मैं रेत भी इस्तेमाल करता हूँ लेकिन मेरे पास जो रेत है वो अभी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं आपको बीच में बताऊँगा कि रेत हम कितनी क्वान्टिटी में और कहाँ डाल सकते हैं, वो मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा अभी। तो फ्रेंड शुरू करते हैं, ये मिट्टी है और ये मैंने एक मेजरमेंट के लिए ये एक छोटा सा पॉट ले लिया है, तो मैं इसको इसमें डाल लेता हूँ। ये आपको बताने के लिए है कि किस तरीके से मेजर किया जाए। तो ये एक मैं फुल कर लेता हूँ, तो लीजिए फ्रेंड ये एक पूरा एक भर लिया है, तो एक पोर्शन हमारा ये मिट्टी का हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो एक मैयर है ये हम यहाँ इसमें डाल देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये इतनी बढ़िया सॉयल तैयार होगी कि जिसको देखकर दिल खुश हो जाएगा। तो लीजिए एक हमने डाल लिया, ये कोकोपीट सेम मयर मैंने एक कोकोपीट का भी डाल दिया, आधा और डालूंगा, लीजिए आधा और, ये मतलब एक बकेट ये और एक से डेढ़ बकेट कोकोपीट की। उसके बाद 1/4 बकेट मैं बदरपुर की डाल रहा हूँ। ये मैं सब आपको बताऊंगा कि ये क्यों ये सब हम लोग डाल रहे हैं। ये लीजिए ये 1/4, और अगर आपके पास रेत है तो 1/4 आप रेत भी इसमें मिक्स करिए, ठीक। अब उसके बाद ये हमारी कंपोज लीजिए ये, और इसको अब मैं मिक्स कर दूंगा और आपको दिखाता हूँ कि ये क्या बनेगा। आप सच में जब इसको बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये इतनी सॉफ्ट है जिसका कोई वेट नहीं है, और मिट्टी जो कई बार कई जगहों पे अवेलेबल नहीं रहती है, जो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग मिट्टी को नहीं मिलती है और नहीं ज़्यादा हम लोग वहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी मिट्टी में ही आपका ऐसा सॉइल आपकी तैयार होगी कि आप देखेंगे कि ये इतनी सॉफ्ट है, इसमें हमारी कंपोज मिट्टी कोकोपीट, अब आपको पानी की कंजम्पशन भी आपकी कम हो जाएगी क्योंकि कोकोपीट जो है वो पानी को बहुत अब्जॉर्व करके रखती है और धीरे धीरे मिट्टी में ही घुल जाती है, एक दो सालों के अंदर ये इसी के अंदर ही ख़त्म हो जाती है।
तो ये आप देख ही रहे होंगे कि कितनी हमारी ये मिक्स हो गई है, 2 मिनट में हमारा तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमारी जो हमने तैयार की है वो है, और हम ये हमारी मिट्टी है जो हमारी गार्डन सॉइल होती है ये है, और ये हमने जो तैयार की है। अब हमने इसमें बदरपुर क्यों डाला था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मिट्टी तो हमें ज़रूरत है ही है, सेकंड है कि हमने इसमें बदरपुर डाला। बदरपुर जो है वो स्पेस क्रिएट करता है जड़ों के लिए, थोड़े से उसमें जो मोटे, ये आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं इसमें कण, ये स्पेस जनरेट करते हैं हमारे पौधों के जड़ों के लिए, और ग्रिपिंग बड़ी बहुत अच्छी हो जाती है, और मिट्टी जो बहुत जुड़ जाती है, जब आप देखते हैं कई बार हम पौधों को हटाते हैं निकालते हैं तो वो मिट्टी काफ़ी जुड़ी होती है, तो वो उससे भी बचाता है ताकि जो जड़ें हैं वो चोक नहीं हों, ठीक है। और उसकी जगह आप रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेत बहुत अच्छी सोक करती है, आपकी जड़ों को बिल्कुल टाइट करके रखती है, मिट्टी के अंदर जमा के रखती है। तो रेत अभी मेरे पास थी नहीं, ये तो मैं डेफिनेटली आपको बताता कि कैसे करनी है वो भी। तो आप क्वांटिटी वही 1/4 रखेंगे अपनी रेत की। तो देखिए, ये हमारी सॉइल इतनी लाइट है कि जब आप बनाएंगे आप सच में आप देखेंगे कि ये बहुत ही बढ़िया, ये हमारे टेरेस के लिए, हमारी छतों, हमारे बालकनीज में, और जहाँ पे भी आप गमले रखना चाहते हैं, हल्के, बहुत हल्का। तो जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि हाँ, कि ये जो टेक्निक है वो बहुत ही बढ़िया है, डेफिनेटली आप ये लाइक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मेरे ख्याल से पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों की क्वारी होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल आइकन साथ बना हुआ आता है, उसको ज़रूर आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी, तो मतलब हम लोग अच्छी तरह कनेक्ट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉइल तैयार की है, मैं होप करता हूँ कि आप भी अपने घर में तैयार कर लेंगे। और अब जब ये तैयार हो ही गई है तो फिर मैं कुछ इसमें उगा लूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।